कोलकाता में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दामोदर घाटी निगम कार्यालय का दौरा किया। बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा, जब से मैंने विद्युत मंत्रालय का नया चार्ज लिया है, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में जाकर जितनी भी परियोजनाएं हैं उस पर बातचीत करके जानकारी प्राप्त कर रहा हूं। वहीं DVC यहां की भी बहुत बड़ी PSU है। बता दें कि ये दो राज्यों में फैला हुआ है। वहीं कुछ मुद्दे इन्होंने बताए, जो मुद्दे पावर विभाग के हैं उन पर हम बात करेंगे। वहीं कुछ मुद्दे राज्य सरकार से भी जुड़े हैं, हम उन पर भी बातचीत करेंगे। नया चार्ज लगभग एक महीना डेढ़ महीना पहले मैंने जो लिया है पावर डिपार्टमेंट का, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में जाकर के जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या जितने हमारे CPSUs हैं उनके साथ अलग अलग बातचीत करके एक जानकारी यहाँ प्राप्त कर रहा हूँ। तो DVC एक बहुत बड़ा यहाँ का CPSU है और दो स्टेट्स में एक प्रकार से फैला हुआ है, 24,000 से ज़्यादा स्क्वायर किलोमीटर में, और वह मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। 1948 में जब देश का भी पहली पार्लियामेंट भी नहीं बनी थी और उस समय से इसका प्रश्न को एक प्रकार नहीं रखी गई और बहुत से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, चाहे पावर में हैं, इरिगेशन में हैं, सोशल सेक्टर में हैं। तो आज पूरी जानकारियाँ मिली हैं, कुछ इश्यूज़ इन्होंने बताए हैं जो इश्यूज़ पावर डिपार्टमेंट के हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी सबके जाकर बातचीत करेंगे। और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इश्यूज़ हैं, उन स्टेट गवर्नमेंट्स के इश्यूज़ के ऊपर भी संबंधित जगह चर्चा जाकर नहीं होगी करेंगे। पहली बात है कि ये समस्याएं सरकारों की बजाय जनता की ज़्यादा होती हैं, जनता प्रभावित होती है, इसलिए समस्याओं का हल तो होना ही चाहिए। अब चूंकि अभी तो वन साइडेड एक तरफ की सारी बातचीत अभी आई है, जब सरकारों की बातचीत होगी, मुख्यमंत्रीगण आएंगे बैठेंगे, उनकी ओर से जो विषय आएगा तो ज़रूर उसके ऊपर हम विचार करके उन लोगों को बैठाएंगे, आपस में सहमति बनवाएंगे कि ऐसी समस्याएं हल हों और जनता को कोई परेशानी ना।